हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और खाते ही मुंह में घुल जाने वाले हैं। अक्सर लोगों को केले की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं होता है, तो इस तरह से आप केला का कोफ्ता बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कच्चा केला। सबसे पहले केले को जो है मैंने धोकर वॉश कर लिया है। अब इसे हम बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो जब तक हमारा केला बॉईल हो रहा है, तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को दरदरा पीस लिया था और 2 प्याज, लहसुन और अदरक को भी पीस लिया है। अब बाकी के मसालों को भी हम मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें काली मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और साथ ही में डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने तीखा वाला लाल मिर्च लिया है। और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। फिर मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मसाला तैयार हो गया है। हम केले को जो है एक बार चेक कर लेंगे, केला जो है हम निकाल लेंगे, बॉईल हो चुका है ये। तो केला जो है अभी हमारा काफ़ी गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम कोफ्ते की जो है ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों तेल। सरसों तेल में जो है सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा जीरा और 1 तेज़पत्ता। तो मसाला जैसे भी चटक जाइए, तो इसमें डालेंगे हम जो हमने प्याज, लहसुन और अदरक को पीस के रखा था, इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि प्याज का कच्चापन चला जाए। तो यहाँ मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अच्छी तरह से भून जाए, तो इसमें हम डाल देंगे सूखे मसालों को जो हमने मिक्स करके रखा था, और इन्हें भी साथ में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी सब्ज़ी बनाने के लिए मसालों को जो है अच्छी तरह से भूनें। मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो सब्ज़ी का जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी हाथों से क्रश करके, और इन्हें भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इन मसालों को भूनते हुए भी कुछ समय हो गया है। अब देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर के पेस्ट को जो हमने बना के रखा था, और इन्हें भी चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, ताकि टमाटर जो हमारा जल्दी पक जाए। तो इसमें हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे हम, जिससे कि इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए मसाले जो अच्छी तरह से भून चुके हैं, और इसमें ऑयल भी अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तब इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको कितनी ग्रेवी रखनी है। अब इसे चला लेंगे और इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम केले से जो है कोफ्ते बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ एक बॉल लिया है, और केले का जो है मैंने छिलका उतार लिया है। इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। अब इसे हाथों से मैच कर लेंगे हम। तो केला बॉयल है तो ये बहुत ही जल्दी मैच हो जाते हैं। तो यहाँ केले को मैंने मैच कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ हम डालेंगे 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून डालेंगे हम जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर 4 चम्मच लिया है। बेसन आप कम ही यूज करें, अगर आपको ज़्यादा लगे तो बाद में यूज करें। अब मैंने जो मसाला भून कर रखा भून रहा था प्याज और लहसुन अदरक का, तो उसे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच निकाल लिया था, उसे भी डाल देंगे। अब डाल देंगे नमक
तब इन्हें अच्छी तरह से हम हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। अगर हमें और बेसन की ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में लेंगे, लेकिन बेसन का आप कम ही यूज करें, नहीं तो केले जो है हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून ऑयल, जिससे कि कोफ्ते जो हमारे ज़्यादा हार्ड नहीं हों और सॉफ्ट रहें। कोफ्ते के लिए हमारे जो ये तैयार हो गए हैं। अब हाथों में ऑयल लगा के हम इस तरह से एक एक पोर्शन लेके इसे अच्छी तरह से राउंड शेप में कर लेंगे। इस तरह से बना के रख लेना है हमें। तो यहाँ मैंने सभी कोफ्ते को जो है बना के तैयार कर लिया है, इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ऑयल जो है गर्म हो गया है, इसमें कोफ्ते को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, जिससे कि ये अंदर तक पक जाए। तो इसे अच्छी तरह से हमें चलाते हुए सभी तरफ से पका लेना है। तो यहाँ मैंने कोफ्ते को उलटते पलटते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखिए कोफ्ते जो अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब सभी कोफ्ते में हम इस तरह से एक फोक की सहायता से हल्का हल्का कर देंगे इस तरह से, जिससे कि सारी ग्रेवी जो है इसके अंदर चली जाए। तो यहाँ ग्रेवी जो है हमारी पक चुकी है, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे डाल के छोड़ दिया था। और सभी कोफ्ते को इसमें डाल देंगे। तो कोफ्ते को डालकर इसे हम अब मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ग्रेवी जो है इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है। ये देखिए ग्रेवी जो है काफ़ी गाढ़ी हो गई है और कोफ्ते में अच्छी तरह से ये अब्जॉर्ब भी हो गई है। तब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। और यहाँ हमारी जो है केले की कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी टेस्टी और अच्छी दिख रही है, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अब इसे हम कर लेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जिसे केला खाना पसंद नहीं है सब्ज़ी, इस तरह से आप बना कर दें बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे चावल के साथ खाएं या पराठे के साथ या रोटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो हमारे केले के कोफ्ते बनकर हो गए हैं तैयार। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश मलाई, घर की फ्रेश मलाई लिया है मैंने। और थोड़ी सी डाल देंगे हरी धनिया पत्ती। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, केले के कोफ्ते हमारे बनके हो गए हैं तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने इजीली ये कट चुके हैं। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें।